पास नहीं है। कलयुग। कलयुग के अंतिम समय पर स्वयं परमात्मा 1936 में इस भारत भूमि में साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा इस सारे ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत के कर्मों का ज्ञान देते हैं, जिसे दिव्य अवतरण कहा जाता है। जब स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर आते हैं, तब उनके सर्वोच्च ईथर शक्ति के भंडार होने के कारण इस भारतीय भूखंड की चुंबकीय शक्ति बढ़ने लगती है। इस ईथर ऊर्जा के कारण वैज्ञानिकों को E=MC² आदि अनेकानेक शोध लगने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय गुरुत्वीय बल बढ़ने का कारण है विश्व का गुरुत्वीय केंद्रीय बल, जो ब्रह्मांड में ध्रुवीय तारा के ऊपर बना हुआ है। वो विश्व का प्रसरण होने के कारण तथा अवकाश ब्रह्मांड की चक्रीय गति बढ़ने के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये ध्रुवीय तारा आने वाले समय में पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिसके कारण उसकी स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर ऊर्जा से प्रकृति के मूलभूत ऊर्जा का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर बन जाएगा और दुनिया के सारे संगणक और इलेक्ट्रॉनिक साधन बंद हो जाएंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां बंद होने के कारण दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और साथ साथ यूरेनियम आदि धातु में अपने आप विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में बने हुए आणविक शस्त्रों का अपने आप विस्फोट हो जाएगा, जिससे सृष्टि पर महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला चरण आणविक शस्त्रों के भयंकर विस्फोट से सृष्टि परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा। अणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रचंड विस्फोट पृथ्वी पर छोटे सूरज का काम करेगा। आणविक बॉम्बों से करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान थोड़े समय के लिए हो जाएगा, जिसे सारे धातु, मनुष्य, संपत्ति, वस्तुएं और पर्वत आदि विस्फोट होकर पिघल जाएंगे। अणु बॉम्ब के इसी ऊर्जा पिघलने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के ऊपर बना सिलिकॉन पूरी तरह से पिघल जाता है। पृथ्वी के समुद्र में बरमुडा और फॉर्मोसा ट्रायंगुलर क्षेत्र हैं। वो पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के दो द्वार हैं, जो सिर्फ पानी से ढके हुए होने के कारण पृथ्वी के सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल के क्षेत्र में हैं। इसलिए कोई भी हवाई या पानी पर चलने वाला जहाज इन क्षेत्रों में जाते ही गायब होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को डेविल सी कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा के द्वारा प्रचंड विद्युत शक्ति से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पुनः चार्ज होगा। अंत में इस अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा की शक्ति से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा के बीच का विद्युत विरोधक द्रव्य पिघल जाता है, जिससे सारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा और यही परिवर्तन पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को समाकर एक ही मोनोपोल में परिवर्तित कर देगा। आइंस्टाइन बोसोन कंडेंसेशन की भाषा में पृथ्वी का केंद्रीय गाभा एक सुपर एटम बन जाएगा और पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिसका केंद्र भारत होगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आने के कारण दुनिया में अनेक तूफान, सुनामी, चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। दुनिया का 96% बर्फ जो दोनों ध्रुवों पर जमा है वो पिघल जाएगा और समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ जाएगी, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो जाएगा। दुनिया के सारे भूखंड विध्वंस होकर भारत की ओर केंद्रित हो जाएंगे, जिसे हम पेंजिया और गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और विशाल है। वैज्ञानिक जिन क्रियाओं को होने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगता है, ऐसा मानते हैं कि वो क्रियाएं पलक झपकते ही कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगी और इस पृथ्वी के ध्रुवों का केंद्रीयकरण होकर पृथ्वी पर बिखरे हुए सारे शक्तियों के चक्रों का ईथर शक्ति द्वारा एक ही मोनोपोल में केंद्रीयकरण हो जाएगा, जिसके द्वारा सारे पृथ्वी पर वो ईथर शक्ति सभी प्राणी मात्रा और प्रकृति की ऊर्जा में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। यही ईथर शक्ति ब्रह्मांड में सारे क्वांटम चेंजेस लाएगी, जिसके कारण मानो बिग बैंग जैसे परिस्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि परमात्मा जो 10 मितीय विश्व में रहते हैं, वो इसी सूक्ष्म ईथर शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड और सृष्टि के हर कणों का विकेंद्रीकरण बाहर की दुनिया से करेंगे, जिससे
थर्मोडायनामिक के दूसरे नियमों द्वारा सृष्टि की एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। ब्रह्मांड के सारे भौतिक कणों का विकेंद्रीकरण की स्थिति बन जाती है, जिसका प्रतिबिंब उन्हें अभी के ब्रह्मांड के कणों में प्राप्त होता है, जिस कारण वो सोचते हैं कि ये सारे कण कभी एक समय एकत्रित थे और आज बिखर गए, जिससे आगे चलकर ये विद्यमान जगत बन गया। परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा हमारे मस्तिष्क में द्वापर युग के आरंभ में जो सूक्ष्म कृष्ण विवर बना हुआ था वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अचेतन मन पूरी तरह खुल जाएगा और दुनिया की सभी आत्माओं को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तव में आत्मा हैं और न कि ये भौतिक शरीर, और साथ साथ अपने सच्चे आत्मिक पिता का ज्ञान संसार की सभी आत्माओं को होगा, जिससे सारे संसार को ईश्वर का परिचय और अनुभव हो जाएगा। अंत में न्यूट्रॉन कणों का कृष्ण विवर भी नष्ट हो जाता है। शुभ्र और कृष्ण विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के मध्य का अंतर समय के साथ साथ कम होता जाता है, जो अब बहुत कम है और आगे चलकर ये और कम हो जाएगा। इसके कारण प्रकाश की किरणें अधिक वक्रमान हो जाती हैं, जो कि शुभ्र विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की शक्तियों के साथ का संबंध है। अभी ध्रुवीय तारा नीचे आने के कारण ब्रह्मांड के मध्य भाग में आकाश तत्व फैल रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ये विश्व प्रसरण होता हुआ नजर आता है। उन्हें आकाश गंगा एक दूसरे से अधिक दूर जाती दिखाई दे रही है। तारों का दूर जाना प्रकाश की स्पेक्ट्रम से पता चलता है। अभी प्रकाश की तरंगों में रेड शिफ्ट इसी के कारण मिल रही हैं। ध्रुवीय तारा की गति हमारे मानसिकता की पवित्रता पर आधारित होती है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हमारी पवित्रता में निरंतर गिरावट आने के कारण हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सतयुग त्रेता युग में सहस्त्र चक्र में थी, वो आज्ञा चक्र, फिर हृदय चक्र और अभी कलयुग में मूलाधार चक्र में आ जाती है। इसके कारण ध्रुवीय तारा भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और साथ साथ पृथ्वी के संग उसका केंद्र बिंदु थोड़ा झुकना शुरू हो जाता है, जो अभी कलयुग में 23.5 अंश तक आ जाता है। इसलिए सारा आकाश तत्व हमें अभी 23.5 अंश झुका हुआ नजर आता है। सहस्त्र चक्र से नीले रंग की प्रकाश की किरणें फैलती हैं और मूलाधार से लाल रंग की, जो अभी विश्व में हमें तारों से प्रकाश की लाल रंगों की तरंगे मिल रही हैं। ब्रह्मांड का इस तरह फैलना और फिर सिकुड़ जाना, इसके कारण वैज्ञानिक इसे बिग बैंग द्वारा निर्माण हुआ बताते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड अनादि है। इसका न कभी निर्माण हुआ है और न ही कभी अंत होगा, सिर्फ ब्रह्मांड का परिवर्तन ही होता है। अभी ध्रुवीय तारे के नीचे आने की गति ज्यादा होने के कारण ब्रह्मांड में कई जगह आकाश गंगाएं पीछे से खींचती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे वैज्ञानिक डार्क फ्लो प्रॉब्लम बता रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह ब्रह्मांड में दूर भेजे थे, वो फिर से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं चल रहा। इस ब्रह्मांड की चक्रीय अवकाश प्रणाली का ज्ञान उन्हें नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पूरी तरह चार्ज होने के कारण पृथ्वी के ऊपर का आकाश तत्व भी बहुत चार्ज हो जाता है, जिससे सारा तारामंडल बहुत धीमी गति से घूमेगा और पृथ्वी पर दिन रात 21-21 घंटों के हो जाएंगे। वो फिर त्रेता युग में 18-18 घंटों के, द्वापर युग में 15-15 घंटों के और अभी कलयुग में 12-12 घंटों के हो जाते हैं।